अदालत से विभिन्न मामलों में घोषित भगोड़ों को पकड़ने का अभियान लगातार जारी है। सीआईए 1 की पुलिस टीम ने दो और भगोड़े आरोपियों को, जिन पर अलग अलग मामले दर्ज थे, अदालत ने इन्हें पीओ घोषित किया था, इन आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी ली है। बता दें, पहले मामले में आदर्श थाना पुलिस ने भुगत भोगी की शिकायत पर श्यामलाल पुत्र सोमनाथ निवासी आजाद नगर यमुनानगर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत से जमानत के बाद आगामी तारीखों पर यह पेश नहीं हुआ। माननीय अदालत ने इस आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया। उधर दूसरे मामले में भी गांव गढ़ी गुजरा जिला करनाल निवासी दलबीर के साथ बीती घटना के मामले में थाना सदर थानेसर पुलिस ने वर्ष 2018 में लखबीर सिंह पुत्र केशर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसे गिरफ्तार किया गया था। अदालत द्वारा जमानत दी गई थी। इस आरोपी ने भी अदालत के आदेशों की अवहेलना कर डाली, पुनः पेश नहीं हुआ। आरोपी लखबीर सिंह को माननीय अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस कप्तान डॉक्टर अंशु श्रृंगला के आदेशों की पालना की गई, जांच सीआईए 1 को सौंपी गई। प्रभारी मलकीत सिंह ने अलग अलग टीमों का गठन किया, जिनमें एएसआई सुधीर सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल संदीप मलान बलविंदर के अलावा एएसआई सुंदरपाल, हेड कांस्टेबल प्रवीण भजन आदि को एरिया में भेजा गया। पुलिस टीम की मेहनत रंग लाई। एएसआई सुरेंद्र ने टीम सहित आरोपी श्यामलाल को गिरफ्त में ले लिया। वहीं एएसआई सुंदरपाल ने भी दल बल सहित अंजाम देते हुए सुराग लगाकर आरोपी लखबीर सिंह को भी पकड़ने में कामयाबी ली है। दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में धारा 174 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इनके पकड़े जाने की जानकारी परिजनों को भी दी गई। सीआईए पुलिस टीम दोनों भगोड़े आरोपियों को अदालत में पेश करने ले गई है। आगामी कार्रवाई माननीय न्यायाधीश करेंगे। इन दोनों के पकड़े जाने से पहले सीआईए 1 की पुलिस टीम अब तक 7 दिनों के अंतराल में एक महिला सहित 3 भगोड़े आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो चुकी है। अन्य मामलों में वांछित आरोपियों के पकड़े जाने के प्रयास लगातार जारी है। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।